हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अभी समय हो रहा है, मतलब अंधेरा हो रहा है, लेकिन अभी ये रात नहीं है, अभी सुबह हो रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। मम्मी पापा और भैया मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। ये अकेले भी आ सकते थे, लेकिन ये इन दोनों को साथ में इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अकेले नहीं आना चाहते थे ना। इनको क्या पता आते वक्त नींद आ जाती, क्योंकि हमारा जो घर है और एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब कि 45 मिनट्स का रास्ता है। तो इसलिए ये मम्मी पापा को लेकर आए साथ में। तो चलो एयरपोर्ट चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। मैं एयरपोर्ट पर आ चुकी हूँ और मेरे साथ साथ फोन जा रहा है। ये बता पहले ना, रात में सोई नहीं थी, कल करने के चक्कर में नहीं, रात में लग गया। और हम लोग जा रहे हैं अभी हैदराबाद, मतलब इंदौर से हैदराबाद जाएंगे, फिर हैदराबाद से जाएंगे श्रीलंका। और श्रीलंका मैं पहली बार जाऊंगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं कि श्रीलंका कैसा होगा, क्या वहाँ रावण होगा। सुरपंखा तो तू ही लग रही है, चल बाय। अपन यहाँ पे हगेंगे, मुतेंगे, खाएंगे, फिर अपन जाएंगे कोलंबो। पार्सल लेके घूम रहे ना, ये खाएंगे हम। मेरी मम्मी ने आलू के पराठे पैक करे थे और अचार, और हमको फ्लाइट में कुछ और भी मिला था। क्या मिला था? और पारुला अचार में हाथ लगा लगा के सूंघ रही जब से आया कार में। इसकी मम्मी ने बहुत अच्छा अचार भेजा है, उसकी खुशबू इतनी पूरे फ्लाइट में महक रही थी। क्या लेकर आयो? चाय। हैदराबाद में गए, 100 रुपए की एक चाय। 100 रुपए दुबई से भी महंगी चाय। हम इसको आधी आधी करेंगे, फाइल को देंगे आधी। लो तो दोस्तों, अभी हम लोग बाहर आए थे और हमने बाहर के लोगों से पूछा कि कौन सी लैंग्वेज है, तो उन्होंने बताया कि तेलुगु है वो। तेलुगु नहीं, हम गलत थे, तमिल नहीं है वो, तेलुगु इधर बोलते हैं। अभी तो मैंने इतना खा लिया, मुझे चलते नहीं बन रहा। मस्त आलू के पराठे दबा के खा लिए हमने। तो ये है वॉशरूम, ये है जेंट्स का, ये है विकलांगों का, और ये बच्चों का, और ये है पानी पीने का, और ये है फीमेल्स का, और ये है पूरे परिवार का, मतलब इसमें पूरा परिवार जा सकता है। क्यों? इसमें आराम से मस्त बैठ के परिवार। अब नाना चलते हैं, काम करते थे। तो दोस्तों बहुत देर हो चुकी है, इधर ही बैठे बैठे 11:50 हो चुके हैं। हम लोग तो बैठ भी गए हैं और पैर दर्द करने लगे। अपन बहुत कमज़ोर हैं क्या? कमज़ोर अपन बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। अभी 11:50 का टाइम था, 11:50 हो चुके हैं, अभी भी आगे नहीं बढ़े हैं लोग। क्या हो गया है यार आजकल के लोगों को, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं तो बहुत थक गई हूँ यार, क्या करना है। तो दोस्तों हम लोग श्रीलंका कोलंबो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है ये कुछ अलग है। अब बताओ ये कौन सी लैंग्वेज है, ये वाली कौन सी लैंग्वेज है बताओ। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है, कहाँ पे लिखी है? ये लिखी है अपना तमिलनाडु। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं श्रीलंका में, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू श्रीलंका। थैंक गॉड ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ की लैंग्वेज में नहीं लिखा है। और कौन लेने आ रहा है अपने को? आ गए क्या लेने? आ गए क्या? आ गए ना। चलो तो दोस्तों अभी हमको पता चला है कि 3 घंटे लगेंगे हमारी जाने में। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भैया, ए सी चालू कर दो। 3 घंटे का रास्ता है। भोपाल जाना है? हाँ, इंदौर से भोपाल जाना है, मतलब। और बहुत ही
ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। थोड़ा तोला आता है तो थोड़ा थोड़ा तो इंडिया जैसा ही है यार। गोवा में आ गए नहीं लग रहा? लग रहा गोवा में आ गए। भैया समझ में नहीं आता। और वाईफाई तो मिल ही नहीं रहा, आप क्या कर रहे हो? इंस्टा कैसे चलाएंगे अपन? इंस्टा कैसे चलाएं आप? अब इंस्टा मत चलाओ, फोटो वीडियो देखो पूरा। ऐसा कर रहे हो? और ये अभी हम लोग यहाँ पर कुछ नाश्ता करने के लिए रुके हैं। पूरा एकदम गोवा जैसा लग रहा है यार, पूरा गोवा जैसा लग रहा है। खाने का बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मस्त है ना टेस्ट? क्यों मस्त है टेस्ट? कोई जमी तो नहीं लग रही? कितना दूर और बचा है? अरे भैया यार सो गई यार, तो क्या कर क्या करो, आप कहाँ ले जा रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा। तो गाइस रात के मतलब शाम को 7 बज चुके हैं और पता नहीं कब पहुँचेंगे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और इनकी तबीयत खराब हुए जा रही है। दोस्तों हम लोग होटल आ चुके हैं और होटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी सुबह समझ में आएगा क्योंकि अभी तो अंधेरा हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और इनकी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। कैसा लग रहा है अभी? ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब, मतलब हम दोनों की ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई क्योंकि रास्ता ऐसा 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 था तो चक्कर आने लग गए, जलेबी जैसा रास्ता था। और हम लोगों को 3.5 से 4 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। पिंक कलर के फूल भी है इसमें। मस्त है यार होटल। हेलो, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा रूम, देख सकते हैं कि आप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये सब खोल के बैठे। इतनी भाप क्यों जम गई इस पे ये इसकी फॉग क्यों जम गया? ये एसी चालू था ना। अच्छा ओके, देख सकते हैं आप कितना मस्त लग रहा है ये। और ये जो है ना गाइस, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मतलब इतना मस्त लग रहा है। यहाँ पर पूरा पत्थर का बना हुआ है ये। हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। और ये हमारी बालकनी। वाव यार पारुल दीदी क्या व्यू है यार, मजा आ गया यार, बहुत बहुत प्यारा है। ये देखो भैया वॉशरूम, देखो वॉशरूम कितना प्यारा है। हेयर ड्रायर है, टिश्यूज है, सारे प्रोडक्ट है। ये मेरा फेस वॉश है और वॉशरूम है, बाथटब है,
और ये बाथरूम है। तो दोस्तों अब हम आए हैं डिनर करने और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या खाऊं। इधर है मेन तो सैलड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू गोभी पनीर, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या खाऊं। क्या कर रहे हैं आप? यार तो यहाँ पे 100, 150, 200 तरह की चीजें हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या खाए। हम ढूंढ रहे फोगा, जलेबी और समोसा और सेव। हम लोगों ने सब मतलब कम से कम 200 में से आठ चीज़ें ट्राई कर ली कि कैसा है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर हम तो है नॉर्मल लोग तो हमको सिर्फ दाल चावल अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये है होटल का वॉशरूम, मतलब वॉशरूम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। अरे हाँ, अरे पिंपल्स क्यों आती है मुझे मारो। दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ 9 बजे, अभी तक कोई भी नहीं उठा है लेकिन मैं उठ गई क्योंकि मेरी नींद जल्दी खुल जाती है क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, इसलिए मैं 8 बजे ही उठ जाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर कितनी सारी पिंपल्स हो गई हैं, क्योंकि ये तभी होती है जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, पता नहीं क्यों होती है इतनी पिंपल्स। चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, आप तो व्यू देखो मॉर्निंग वाला। वुड मुझे बहुत ही पसंद है यार, वुड वाला ये टेक्सचर। और ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर गोरे लोग भी आए हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी है। और ये जो होटल है ये पूरा होटल एक ही है, मतलब एक तरह से इसको होटल नहीं बोलेंगे, इसको रिजॉर्ट बोलेंगे। और ये सामने पहाड़ है, ओहो कितना प्यारा व्यू है। और ये देखो ये पेड़ की कटिंग देखो कितनी प्यारी है, मस्त है ना, मस्त है ना। वाओ इतना ज्यादा सुंदर है, वाओ वाओ वाओ। ये मस्त, हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट तो हमारा छूट गया था। ये भैया हमको मिले हैं यहाँ पर और इनको हिंदी आती है, आप कहाँ से हो? उत्तराखंड से हो? उत्तराखंड से। क्या बात है, तो आपको तो यहाँ की लैंग्वेज भी आती होगी। हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। सॉरी, बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, बहुत अच्छा नेचर है आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, हम हो चुके हैं रेडी और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और मौसम अभी ऐसा है, धूप चली गई है पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, इतना चिपचिपा सा वेदर हो रहा है, पर ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए, अब देखते हैं वहाँ पर कौन कौन आएगा। चलो दोस्तों, बारिश हो गई है,
अचानक से सुबह इतनी धूप आ रही थी और अचानक से बारिश हो गई अपनी। क्या कहना है इस बारे में आपका? पर अच्छा मौसम हो गया। अच्छा मौसम और फिर भी गर्मी तो लग ही रही है। गर्मी तो लग रही थी बाहर बाहर लग रही थी। अच्छा है। अच्छा है धूप से तो बेटर है। कैप चलो कोई बात नहीं मैं दिलवा दूंगी आपको कैप। ठीक है गिफ्ट कर दूंगी मैं। जीजू क्या बादशाह को लगता है कि क्या है वो बोलता है लाइन बोलता है ना कि लड़कियां पागल है लड़के पागल है लड़के पागल बनाती है। हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम में और मैं पता है पहली बार आई हूँ मैंने पहली बार देखा स्टेडियम और क्रिकेट भी मैं आज पहली बार ऐसे लाइव देखूंगी और मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ठीक है देखो हर बॉल हर विकेट हर रन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर रन हर कैच हर विकेट एक इतिहास बनाएगा यहाँ पे। एक इतिहास बनाएगा। मैंने भी वाली लाइन बोली थी जो क्या हो क्या रहा है वीर भैया क्या करना है बैठना है कि नहीं बैठना है। वो संजू बाबा आ रहे हैं फिर चलेंगे नीचे यार जैकलीन ने बोला नीचे आना डायरेक्ट। अच्छा ऐसा दोस्तों हम लोग बैठ गए और इधर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं इधर ये भी इन्फ्लुएंसर है ये भी इन्फ्लुएंसर है और भी बहुत सारे आए हैं। अस्त्र शस्त्र युद्ध के दिशा पे चल across the world. Ladies and gentlemen, let's the one welcome and only, the absolutely stunning Fernandez. Definitely, it's a great round and Bashar definitely lit it up with Jackie and Sanju Dada and great to be here. Hopefully we can have a cracker of 8. दोस्तों अब हम करेंगे डिनर यहाँ पर बहुत सारी सब्जी है पर रोटी तो है ही नहीं तो दोस्तों ये पिंक कलर का मुझे मिल गया है और मैं पिंक कलर का खाऊंगी क्योंकि आपको पता है ना पिंक कलर बहुत पसंद है मैंने तो ग्रीन कलर पहना है यार। अरे वो कहाँ खा रही है वो खाना वो खा जल्दी से अब सब्जी की हर पिंक कलर टेस्टी नहीं होता है क्या यार पायल
कुछ अच्छा बोलना है ना, व्लॉग है, अच्छा व्लॉग है यार। पायल मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि तू मुझे यहाँ पे मिली आज श्रीलंका में। तो श्रीलंका वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पायल का भी धन्यवाद। और पायल आई लव यू। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 11 और हमारी बस चले गई, हमको ध्यान नहीं रहा। हम लोग इतनी बातें कर रहे थे, मतलब इतनी सारी बातें करने लग गए थे, हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहा और हम लोग बातों बातों में हमारी बस चली गई, चले गई लाइट चली गई गाइस। और अब हम जा रहे हैं होटल, उन लोगों ने जो हमारी मैनेजर है उन्होंने हमको लेने के लिए सिर दुखा के जा रहे हैं, सर दुखा कर जा रहे हैं, और कैब भेजी है हमको लेने के लिए, अब हम कैब से जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग होटल में आ चुके हैं और अब बहुत ही ज्यादा हमको नींद आ रही है, और नींद आ रही है ना बहुत ज्यादा। तो अब हम भैया सो रहे हैं, मिलते हैं सुबह सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।